हे गाइस, हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, आज के सुपरस्टार वो हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग उन्हें स्टार्टिंग में अंडरडॉग भी कहते थे, पर उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस और हार्डवर्क से अपनी अलग ही पहचान बना ली है, क्योंकि टैलेंट को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो गाइस, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े 10 अनसुने फैक्ट, वो भी 2 मिनट में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना। आज केवल ताड़ना है, माना कि टाल नहीं है पर डार्क और हैंडसम तो है, तभी तो लड़कियां मरते हैं। नंबर 1, नवाज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से शहर बुढ़ाना में जन्मे थे। उनका जन्म जमींदार मुसलमान परिवार में हुआ था। नंबर 2, नवाज अपने 8 भाई बहन में सबसे बड़े हैं और उन्हें अपने स्कूल के बाद साइंस से कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 3 साल तक बड़ोदरा के एक पेट्रोकेमिकल्स में चीफ केमिस्ट के रूप में काम किया था। नंबर 3, नवाज ने एज अ वॉचमैन भी काम किया है और उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वो ज्यादा देर खड़े होना पसंद नहीं करते थे। नंबर 4, नवाज ने सबसे पहले एक पेप्सी के एड सचिन आली रे अभियान में एक धोबी के रोल को प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए चार्ज किए गए थे। नंबर 5, नवाज ने बॉलीवुड में डेब्यू 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश से किया था, जहां उन्हें एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में चुना गया था और उन्हें छोटे से रोल को प्ले किया था। नंबर 6, नवाज को 12 साल के स्ट्रगल के बाद 2012 की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से अपनी असली पहचान मिल गई थी। इससे पहले उन्हें अपनी कई फिल्म जैसे सरफरोश, जंगली, मुन्ना भाई MBBS ऐसी बड़ी बड़ी पिक्चरों में छोटे छोटे रोल किए थे। नंबर 7, नवाज की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उनकी वाइफ का नाम आलिया सिद्दीकी है। नंबर 8, वैसे तो नवाज की शादी हो गई थी, पर उन्होंने बताया कि उनकी पिछली अननोन गर्लफ्रेंड को जब वो अपने रोल के बारे में बताने गए थे, तब उन्हें पता चला था कि उनकी शादी किसी और से हो चुकी थी। नंबर 9, नवाज ने बताया कि वो मुंबई आने से पहले उन्होंने सिर्फ 5 ही मूवीज देखी थी और वो आशीष विद्यार्थी को अपना आइडियल मानते हैं। नंबर 10, नवाज आज भले ही एक राइजिंग स्टार है, पर उन्होंने बताया कि उन्हें एक समय उनके लुक्स के कारण कई फिल्म के लिए कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो गाइज, हम आज भी टैलेंट नहीं लुक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो गाइज, अगर आप अभी तक के इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियो पसंद आ गई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल को ऑन कर लो। और आपके मन की बात आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपके बेस्ट कमेंट को पिन करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कल आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।